फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुप्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बच्चों को आउटिंग करवाने बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा नहीं घूम पा रहे, तो हमने सोचा चलो हम उनको बाहर लेकर जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे, और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं और वो कितनी मस्ती करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हमने जो गलती की वो आप ना करें। ये आर्डिस सिटी मॉल के अंदर OMG है, जो बच्चों के लिए फ़न के लिए है, जो बहुत ही अच्छा है। एंटर होते ही वहाँ पे हमने टिकट काउंटर के पास कार्ड बनवाया, जो 525 का ये कार्ड देते हैं आपके बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे दो डिवाइड में इसको बांटा गया है। एक में है जो बच्चों का फ़न जोन है, जहाँ पे बच्चे अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो एरिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके आपने मेरे आगे के वीडियो में आप देख सकते हो, जो गेमिंग का है उनका अलग डिवाइड किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हर एक एक्टिविटी एरिया में यहाँ पे बच्चों के लिए गाइड करने के लिए गाइडेंस है वहाँ पे, जो बच्चों को संभाल सकती हैं, बच्चों को उसको गाइड कर सकती हैं। तो वहाँ पे अंदर पेरेंट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ बच्चे जा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप बच्चों को ऐसे जोन में लेकर जा रहे हैं, फन जोन में, तो आप घर से ही बच्चों को सॉक्स ज़रूर पहना के लेके जाएं। तो वहाँ पे अगर आप सॉक्स पहना के लेके जाते हैं तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो दूसरी साइड में यहाँ पे बॉल्स हैं, जो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस एरिया में भी एक हेल्पर है, जो बच्चों को हेल्प कर सकती हैं बाहर निकलने में और उनको गाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बच्चे के लिए फ़न जोन काफ़ी अच्छा है, एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा है, एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो थक चुके हैं, और थक के थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट के बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये दूसरा जोन दिखा रही हूँ। जिस दूसरे जोन में ये सारे गेम्स के हैं, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने दो पार्टीशन किया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे एक्सरसाइज और जितनी भी एक्टिविटी थी, ये पूरे एक घंटे का यहाँ पे था। ये एक घंटे का लेते हैं यहाँ पे 525 रुपीज़, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, जिसमें कि 425 आपका यूज़ होता है आपको एक्सरसाइज में, और 100 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं गेम्स में। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ने गेम्स भी किया और वो बहुत इन्जॉय भी किया। तो ये सारा ये वहाँ फन जोन का जो था OMG, ओ माय गॉड, वहाँ का ये, तो वहाँ पे बच्चों ने बहुत ही इन्जॉय किया। ये जो एक्टिविटी एरिया है, इसका एक घंटे का पूरा टाइम होता है। इससे अगर आप चाहो बीच में बच्चे गेम खेल ले, फिर ही एक्टिविटी कर ले, तो नहीं, आपके बच्चे पूरा एक घंटे इस एक्टिविटी में करने के बाद ही गेम्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने लगभग एक घंटे पूरे ही इन्जॉय किए, लेकिन ये काफ़ी थक चुके थे। थकने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि हमने जो गलती की वो आप ना करें। जब आप टिकट बनवाएं तो पहले आप उनसे गेम्स का भी उसी समय आप चार्ज करवा लें, अदरवाइज़ वो आप अलग से अगर गेम का करने जाते हैं तो फिर से आपको 500 का कार्ड बनवाना पड़ेगा। हमसे ये गलती हुई थी, तो मैं आप लोग को ज़रूर ये गाइड करूँगी कि आप ऐसी गलती ना करें। आप एक जब कार्ड बनवा रहे हो, उसी समय आप गेम्स भी, सारे जो भी एक्टिविटीज़ आप करवाना चाहते हो, उसी वक्त आप करवा लें। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने वहाँ पे सारी एक्टिविटी करने के बाद हम वहाँ थक गए, उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स के साथ स्नैक्स किया, फिर हम वापस घर आ गए। घर आते आते काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चे पूरी तरह से थक चुके थे, और बच्चे बहुत खुश थे तो हम भी खुश थे। सब बच्चे खुश तो हम भी खुश। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।